My heart, my life, my yawn, my happiness, my everything, every day, every time, every second, I miss you. सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस बनाने वाले हैं। तो गाइज अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में फिर भी देखा है, अगर आप भी कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो गाइज सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाने के लिए एक अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका गज लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इस लेटेस्ट वर्जन अलाइट मोशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज सबसे पहले आपको यहां पर मैं बता देता हूं, एक बीट प्रोजेक्ट और एक आपको प्रीसेट को इंपोर्ट करना होगा इस अलाइट मोशन एप्लीकेशन में, और इन दोनों का एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगा गाइस। तो एक्सएमएल फाइल को भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑल मटेरियल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो भी मटेरियल्स मैं इस वीडियो के एडिटिंग के लिए यूज करूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको यहां पर बीट मार प्रोजेक्ट के लिंक पर क्लिक कर लेना, यह ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो यहां पर इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना होगा गाइस। कुछ इस तरह से प्रीसेट को भी आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। अब देखो जैसे अगर आप यहां पे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर जो सॉन्ग है ना गाइज वो डिलेड हो जाएगा, और ये फॉन्ट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सॉन्ग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस फॉन्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन से जाकर फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना। ओके, अब देखो 13 सेकेंड तक आज यहाँ तक लिरिक्स रहेगी, उसके बाद में गाइज यहाँ पर इसके आगे जितने भी आपको बीट मार दिख रहे हैं इन सभी में अपनी फ़ोटोज़ को फिक्स करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर तो गाइज फर्स्ट वाले देखो यहाँ पर इफेक्ट लगा है, तो यहां पर सेकंड वाले पे आएंगे। जो गाइस यहां पे लिरिक्स जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको क्लिक कर लेना, एडिट टेक्स्ट में आ जाना। पहले इस फॉन्ट को हमें ऐड करना होगा अलाइट मोशन में, तो ऐड करने के लिए यहां पे क्लिक कर लीजिएगा इस वाले ऑप्शन पे, और यहां पे वी ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना। 3 डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जहां भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा सिंपली फॉन्ट को यहां पे ओपन कर लेना। ठीक है, अब ये फॉन्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि अब जैसे क्लिक करोगे वहां पे तो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। अब यहां पे देखो गाइस ढूंढने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा फॉन्ट को, तो इसलिए हमें सर्च कर लेना। तो गाइस कुछ इस तरह से सर्च कर लेना, ये वाला फॉन्ट है, जैसे DES लिखोगे वैसे गाइस यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे फॉन्ट को ऐड कर लीजिएगा। ओके, सो गाइस यहां पर अब नेक्स्ट वाले जो लिरिक्स है इसको भी टैप करके एडिट टेक्स्ट में आके फॉन्ट को यहां पर सिलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरह से आपके फॉन्ट की जो स्टाइल है ना गाइस वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह से गाइस स्टेप बाय स्टेप बस आपको अपनी फॉन्ट को चेंज कर लेना। अब फॉन्ट को चेंज करने के बाद में गाइज यहां से आपको अपनी फोटोज को ऐड करना है, तो फोटोज को ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके फोटोज को ऐड कर लीजिएगा। मूव एंड ट्रांसफर में आके थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइज फोटोज को जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना। आगे की तरफ आके फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट इमेजेस को ऐड कर लेना, और कुछ इस तरह से गाइज जूम कर लीजिएगा। ओके, जूम करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा थोड़ा, तो और गाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर से आगे आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आके नेक्स्ट इमेजेस को ऐड कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर से आगे की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। सो गाइज यहाँ पर बस आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना होगा, जैसे कि गाइज यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इधर भी क्लिक कर लेते हैं गाइज, इधर भी हम फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूव
मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और फोटोज़ को गाइज जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और गाइज इस तरफ भी फोटोज है। तो गाइज यहाँ पर आपको और एंड में भी दो तीन फोटो हमें ऐड करना है, तो प्लस पे क्लिक करके मैं मीडिया के ऑप्शन में आ जाता हूँ और थोड़ा सा गाइज अलग अलग फोल्डर्स में मैंने फोटोज़ भी रखा है, तो यहाँ पर सिंपली हम फोटोज़ को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना होगा और जूम कर लेंगे थोड़ा सा और फोटोज़ को सेंटर में फिक्स कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करके गाइज यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में आकर फोटोज़ को ऐड कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके फोटोज़ को जूम करके फिक्स कर लेंगे। सो फाइनली हमने यहाँ पर फोटोज़ को ऐड कर लिया गाइज, लिरिक्स भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, एक प्रीसेट को इंपोर्ट करना होगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो गाइज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था प्रीसेट को इंपोर्ट करना है, तो अगर आपने नहीं किया होगा तो प्रीसेट को ज़रूर इंपोर्ट कर लेना होगा क्योंकि जो भी इफेक्ट है उस प्रीसेट में ही होगा। तो यहाँ पर गाइज सिंपली मैं प्रीसेट में आ जाऊँगा, देखो कुछ इस तरह से प्रीसेट मिल जाएगा, फर्स्ट वाला देन सेकेंड वाला, तो दो ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और इसी बीट मार प्रोजेक्ट में हमें आ जाना होगा। अब गाइज जहाँ से अपनी वीडियोस प्ले होगी ना, फर्स्ट वाली फोटोज़ को क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे, फिर से एक फोटो को छोड़ कर दूसरी फोटोज़ को क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर से एक फोटो को छोड़ कर दूसरी फोटोज़ जो है गाइज इसको क्लिक करके इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट कर लेना, फिर से एक फोटो को छोड़ कर दूसरी फोटोज़ को क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। अब बैक होकर दोबारा फिर से प्रीसेट में आकर सेकंड वाला जो प्रीसेट मिलेगा इसको क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना है गाइज, और बैक होकर इसी प्रोजेक्ट में हमें आ जाना होगा। अब सेकंड में जो गाइज हमारी जो फोटोज बच चुकी है ना, यहाँ पर फर्स्ट के बाद में सेकंड वाला, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से जो जो फोटोज पर हमने इफेक्ट नहीं लगाया इसी तरह से आपको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना, क्लिक करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। सो गाइज यहाँ पर हमने सभी फोटोज पे इफेक्ट को लगा दिया है। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में आओगे तो लिरिक्स वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले गाइज नीचे इमोजी वगैरह जो हमने ऐड कर रखा है इसको टैप कर लेना, इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और जितने भी यहाँ पर इमोजी हमने ऐड किया बस एक एक करके आपको बस इन सभी इमोजी पे पेस्ट कर लेना। और गाइज हाँ, यहाँ पे देखो जब आप पेस्ट करोगे ना, देख चीज़ का ध्यान रखना, तो गाइज कुछ जो है ना यहाँ पे इफेक्ट, जैसे कि आप इफेक्ट लगा दो, जैसे कि देखो हमने इफेक्ट लगाया तो ये थोड़ा लेट से शो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है इफेक्ट में आके फेतर को ऑफ कर लेना, ठीक है, तो ये शो होने लग जाएगा जल्दी, ठीक है। अब गाइज दूसरे वाले पे भी क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद में अगली जो फोटो इसको भी क्लिक कर लेना गाइज और इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट कर लेना, इसका भी फेतर हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज कुछ इस तरह से बस स्टेप बाय स्टेप आपको इन सभी इमोजी पे इफेक्ट को लगा लेना होगा, ओके। फिर बैक होके ऊपर लिरिक्स वाले पे क्लिक करके इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। अब जितना भी लिरिक्स है गाइज क्लिक करके एक एक करके ऐसे करके इफेक्ट में आ जाना और 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर से गाइज यहाँ पे इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके गाइज यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। सो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स में इफेक्ट भी लगा लेना होगा। फाइनली अब यहाँ पर हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है गाइज, तो देख सकते हो कि कुछ इस तरह का स्टेटस आपके भी बन जाएगा, इधर आपकी लिरिक्स प्ले होने लग जाएगा और लिरिक्स के बाद में इधर जितने भी गाइज यहाँ पे इमेजेस में हमने इफेक्ट लगाया कुछ इस तरह से गाइज इमेजेस में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली अब इस वीडियो को गैलरी में सेव करना है, तो सेव करने के लिए गाइज यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताना गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।